वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट गुलजार खान। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा गुलजार खान वीडिया का चैनल है। और आज मैं आपको मिलाऊंगा अपने चाचू के बेटे से, जिसका नाम है यासीन खान। और आइए मिलते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यासीन खान, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो सर? ठीक है। और सुनाओ, क्या कुछ हो रहा है आजकल? आजकल क्या कुछ हो रहा है? असल में इनको उर्दू नहीं आती, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये ना हो बाद में आप हंस हंस के मर जाए। इनको उर्दू थोड़ी कम आती है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? लेंटर का काम करते हैं? अच्छा जी, ये यासीन भाई लेंटर का काम करते हैं। आप पढ़ते नहीं हैं? आप पढ़ते नहीं हैं? क्यों? क्यों नहीं पढ़ते आप? ये देख सकते हैं आप, उर्दू थोड़ी बहुत आती है। इसी के साथ ये यासीन खान हमारे चाचू के बेटे हैं और ये मर्दान से यहाँ पर आए हैं। ठीक है, इनका कारोबार इधर है और ये अपने वाले साहब के साथ लेंटर का काम करते हैं और इनका भाई भी इधर ही है। अच्छा यासीन भाई, आपकी एज कितनी है? कितने साल के हो आप? 5 साल के। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उनको उर्दू थोड़ी कम आती है, ये 5वीं जमात तक पढ़े हुए हैं और इनकी एज तकरीबन 16 साल है। और मैं इनसे पूछता हूँ एक बार फिर कि इनकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत कम उम्र में आया है, ये मर्दान का रिहायशी है और ये मीरपुर में अपने वाले साहब के साथ लंगर का काम करता है और ये 5वीं जमात तक पढ़ा हुआ है और दिया। और जैसा कि इनको उर्दू थोड़ी कम आती है, इसीलिए इनने अपनी उम्र की बजाय 5वीं क्लास का जिक्र कर दिया कि मैं 5 साल का हूँ। और आखिर पर मैं एक शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। लिखा था नाम मैंने बर्फ़ पर, लिखा था नाम मैंने बर्फ़ पर, सुबह उठा ना बर्फ़ रही ना नाम रहा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।